कक्षा 3 विषय गणित। गणित के अंदर हम भाग विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंडों को हल करने का अभ्यास करते हैं। आज हमने जो संख्याएं ली है वो है 50 और 56। इसको भाग विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो संख्या 50, तो इसके हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसका क्या लगाएंगे? भाग। तो देखिए 2 का भाग 4 में लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 8 में लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 किया 6, 2 चौके 8, यानी 24 बार में। फिर 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार? 12 बार। अब 2 का भाग 12 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 किया 6, 2 चौके 8, 2 फुटे 10, 2 छन 12, कितनी बार? 6 बार। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 किया 6, और फिर 3 का 3 एकम 3। तो हम लिखेंगे 50 का अभाज्य गुणनखंड, और जिस जिस संख्या का हमने जितनी बार भाग लगाया वो लिख दीजिए। तो 2 कितने बार? 1, 2, 3, 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 और अंत में × 3। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और ये आपका आंसर। अब इसी प्रकार से आपको लेना है 56। तो सबसे पहले वही भाग लगाइए आप। तो देखिए 56 में आप सीधा नहीं लगा सकते, तो आप अपने अपने भाग लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 2 × 2 = 4, 2 बार, 1 बच गया, 6 उतरा, 16 हो गए, तो 2 × 8 = 16, यानी 28 बार। फिर से 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 × 7 = 14, और अंत में 7 × 7 = 7, यानी जब तक नीचे एक भागफल ना बच जाए आपको बाकी प्रक्रिया चलती रहेगी। 56 के अभाज्य गुणनखंड, 56 के अभाज्य गुणनखंड। अब 2 कितनी बार आया हुआ है? 3 बार, 2 × 2 × 2, और अंत में 7 × 7। 56 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 2 × 7। हमने 2 सवाल किए, इनको कॉपी में उतारिए, कॉपी में स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए।